देखो, स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दूं, मूवी के दो फैक्टर हैं। बड़े बजट की मूवी या फिर वेब सीरीज स्क्विड गेम्स वगैरह से आप एक्सपेक्टेशन रख के जाओगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। लेकिन जिस हिसाब का इसका बजट है, उस हिसाब से जो भी दिखाया है ठीक है, क्योंकि कुछ नया है इंडियन सिनेमा में, पहली बार ऐसा है जो बाय गॉड नया है। पर किस किस मामले में नया है और यह नया कितने लोगों को पसंद आएगा और इस नए में कितना दम है, अभी आगे बात करने वाले हैं पूरा मूवी रिव्यू पर। ऑनेस्टली उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सभी तबकों का तो नहीं कह सकता, लेकिन एक तबके को ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। अरे, जिनके वो लाल पीले घुंघरालू बाल नहीं होते, जिन्हें एक उज्ज्वल दर्जे से पुकारा जाता है, छपरी। यस जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मूवी में एक्सपेरिमेंट्स करे गए हैं कि कितना टपोरी और छपरी हो सकता है रे तू, ये वाला हिसाब किताब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरा भाई साहब, स्टोरी वगैरह से इतनी उम्मीद मत रखना कि ये दमदार होने वाली है, बिल्कुल ही। ट्रेलर में आपने क्या देखा था, सिर्फ एक्शन, और यस यही एक्शन आपको पूरी मूवी में मिलने वाला है और यही इसका एक्स फैक्टर है और इसी के बेस पर ये मूवी आगे बढ़ेगी। तो बस एक्शन की ही उम्मीद रखनी है, बाकी का पार्ट जो भी हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे स्टोरी हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसे एक तरफ रख देंगे और अपने लॉजिक को भी, क्योंकि विद्युत जामवाल की मूवी सिर्फ एक्शन के लिए जानी जाती है और उसके मामले में ये बेस्ट है। 100% जितना एफर्ट हो सकता है, जितना इंप्रूवमेंट हमें दिख सकता है, भाई पूरा दिखाया है विद्युत जामवाल ने। दूसरा भाई, मूवी जेनर है फुल स्पोर्ट्स एक्शन का। अगर आपने यारियां मूवी देखी है, जो आई थिंक सभी ने देखी होगी, तो उसका जो प्लॉटिंग थी कि आप जीतते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे, वही वाला हिसाब किताब आपको यहां देखने को मिलेगा। लेकिन 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 ये मैदान है इलीगल, यहां पर आपको मौत कभी भी चूम सकती है। तो एक बार के लिए जीतना मतलब भाई मौत को चूम के वापस आना, ये वाला हिसाब किताब है यहाँ पे। जैसे तैसे अगर आप लास्ट स्टेज तक पहुंच भी जाते हो चैंपियन वगैरह से, तो भाई साहब असली शेर के सामने आपको पार करना पड़ेगा, और क्रैक जीतेगा तो जिएगा, ये है थीम इस मूवी की। ब्रदर्स लव दिखाया गया है जबरदस्त, और अपने भाई का बदला लेने के लिए जाता है, क्योंकि जो विद्युत जामवाल का भाई है वो वेल ट्रेंड है इस मैदान के लिए, जिसको इसके बारे में बहुत कुछ पता है। लेकिन वहां जाके उसके साथ हो जाती है बेईमानी और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन विद्युत जामवाल से ये सहा नहीं गया, जो एक तरफ अनट्रेंड है, जिसे इस मैदान के बारे में फिलहाल इतना कुछ पता है नहीं, लेकिन ये बंदा वहां जाता है और सभी की रील धोता है लाइन से। लास्ट में चैंपियन अर्जुन रामपाल, जो उस खेल का माहिर बादशाह है, उसे भी हराता है। भाई थोड़ा सा इलॉजिकल अटपटा सा हिसाब किताब लगा, क्योंकि भाई जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं है और वहां जाके उस चैंपियन को हरा देना विदाउट लॉजिक है। बाकी चीज दमदार थी, एक्शन में मजा आया, इसलिए इस पार्ट को भी अगर आप इग्नोर करोगे तो और भी अच्छा है। बात करें एक्टिंग के मामले में मूवी क्या है, तो इस पोर्शन को छोड़ देते हैं, क्योंकि आपका फिर मूवी देखने का मन नहीं करेगा। बाकी हाँ, एक चीज याद रखना कि मूवी में नोरा फतेही भी हैं, एमी जैक्सन भी हैं, और इनके मुंह से जो भी निकलेगा उसको पूरा इग्नोर करते जाना, लेकिन इनको जिस हिसाब के लिए देखा जाता है, यानी ग्लैमर और आंखों के सुकून के लिए, बस ये काफी है। इतना ही इनसे उम्मीद रखना, उससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना, वरना मजा नहीं आएगा। दूसरा, कैमरा एंगल के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी करी है। मैं कहूंगा कि एक बार के लिए आपको फिफ्थ या सिक्स क्लास की वो एंगल्स वाला चैप्टर याद आ जाएगा, जहां पर एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, सब कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें पूरा कैमरा के साथ जो छेड़खानी करी है, पूरा घुमावदार मामला। तो मूवी दमदार है, किस मामले में, सिर्फ एक्शन के मामले में। स्टोरी ड्रिवन नहीं कहूंगा, स्टोरी में उतना कोई खास मजा नहीं आएगा। अगर आप इसकी उम्मीद लेकर जाओगे तो मत ही जाना, क्योंकि फिर आप निराशा ही हाथ लेके आओगे। दूसरा, स्टोरी प्लॉटिंग भी वो हिसाब किताब सेट नहीं करती, लेकिन जिस मामले के लिए जाना जाती है, विद्युत जामवाल की जो मूवी होती है एक्शन के लिए, और जो ट्रेलर में दिखाया गया है एक्शन, भाई वो किस हद तक दमदार है, धमाकेदार है, वो बेस्ट है यहाँ पर। बाकी मूवी वन टाइम वॉचेबल है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है देखने के लिए तो जा सकते हो। स्टोरी से प्यार है कि भाई नहीं, हम लॉजिक लगाते ही लगाते हैं, तो फिर आप देख सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, भाई ये है रिव्यू, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय।